हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राय कैनवस। मैं हूं शर्मिला। आप लोग कैसे हो? मैं अच्छी हूं। आज है फ्राइडे और अभी बज रहा है शाम के 7:30। आपको दिखाती हूं बाहर, 7:30 नहीं, 7 बज रहा है। अभी आपको दिखाती हूं बाहर का वेदर कैसा है। और हम लोग का बैल्कनी से बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा लगता है रात को। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। बैल्कनी से व्यू बहुत ही अच्छा लगता है और दिवाली के टाइम में तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि चारों ओर लाइट रहता है तो देखने में और भी अच्छा लगता है। तो अच्छा लग रहा है ना? ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तेलापिया रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनेगा। मैं पहले भी बहुत बार बनाई हूँ, मगर कभी ब्लॉग नहीं बनाया है, कभी वीडियो नहीं बनाया है, तो सोची हूँ क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। 2 महीने पहले मैंने और एक तेलापिया का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो है सरसों तेलापिया। वो भी बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग अभी तक नहीं बनाए हो तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में डाल दूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार वो वीडियो देख के एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अभी ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, फिर आप लोगों से बहुत सारी बातें भी करना है। आज मैं बनाने वाली हूँ तेलापिया फ़िश करी, जिसे तेलापिया झाल भी कहते हैं। और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत सिंपल वे में आज दिखाने वाली हूँ। टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, इंग्रेडिएंट ज़्यादा नहीं लगेगा और बहुत टेस्ट भी बनेगा। उससे पहले मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ। मैंने जब 2 महीने पहले सरसों तेलापिया वीडियो डाला था, तभी मैंने यही बोला था कि जिन लोगों को फ़िश पसंद है मगर बोन्स के वजह से वो खा नहीं पाते हैं, ये फ़िश वो लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बोन्स बहुत कम है, कम रहता है और टेस्ट भी बहुत बनता है। तो चलिए ये ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये रेसिपी। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने एक तेलापिया फ़िश लिया है करीबन 250 ग्राम्स का। फ़िश मैंने पहले ही मैरिनेट करके रखा था टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट देके 15 मिनट्स के लिए। अभी 4 टेबलस्पून सरसों का तेल में फ़िश को फ्राई कर लूँगी। जब तक फ़िश फ्राई हो रहा है मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो चलिए मसाला बहुत ही सिंपल है, आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने एक बोल में 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून फिश मसाला पाउडर, 3/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और अभी थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लूंगी और एक पेस्ट बना लूंगी। कंसिस्टेंसी ऐसा ही रखना है। फिश का एक साइड तो अच्छे से फ्राई हो गया है, अभी मैं टर्न कर रही हूँ ताकि दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो सके। तो अभी फिश फ्राई हो गया है, अभी मैं इसका ग्रेवी बना लेती हूँ। अभी उसी ऑयल में मैं ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून कलौंजी। कलौंजी फ्राई होने के बाद मैं अभी ऐड कर दूंगी 2 मीडियम साइज चॉप्ड अनियन। अनियन को अच्छे से फ्राई कर लूंगी। अनियन हल्का फ्राई होने के बाद अभी मैं ऐड कर दूंगी 4 चॉप्ड ग्रीन चिलीज। एक मिनट तक चला लूंगी। एक
एक मिनट चलाने के बाद अभी मैं ऐड कर दूंगी मसाला पेस्ट और अच्छे से चला लूंगी जब तक मसाला अच्छे से पक ना जाए। अभी मैं एक ग्लास गरम पानी ऐड कर दूंगी और फिर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ग्रेवी हल्का बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 2 स्लिट ग्रीन चिलीज। ग्रेवी अच्छे से बॉईल हो गया है। अभी मैं ऐड कर रही हूँ तेलापिया फिश। तो तेलापिया फिश करी अभी रेडी है, तो मैं गैस बंद कर रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा बना है ना। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो कैसा लगा आपको ये रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं पॉपकॉर्न बनाऊंगी, तो चलिए आपके साथ ही बनाते हैं। इधर मैंने एक्ट 2 क्लासिक सॉल्टेड पॉपकॉर्न लिया है, अभी चलिए बना लेते हैं। ऑलरेडी मैंने कुकर गरम कर लिया है, अभी मैं पैकेट कट करके डाल रही हूँ। अभी कवर कर देती हूँ, 3 मिनट बन जाएगा हमारा पॉपकॉर्न। मैंने ऑलरेडी चाय बना लिया है, हस्बैंड को ऑलरेडी दे दी हूँ, अभी खुद पीऊंगी। तो पॉपकॉर्न तो अभी बन रहा है, तो चलिए पहले पानी भर लेती हूँ मैं। पॉपकॉर्न का तो बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, तो चलिए हो गया है, अभी मैं ओपन करूंगी। हाँ, हमारा पॉपकॉर्न अभी रेडी है। पॉपकॉर्न में थोड़ा सा सॉल्ट है, मगर फिर भी मैं थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड करूंगी और चाट मसाला भी ऐड करूंगी। चाट मसाला ऐड करने से और भी टेस्ट अच्छा लगता है मुझे। और अभी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो नेक्स्ट वीक दुर्गा पूजा स्टार्ट हो रहा है और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोगों के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट डिशेस मैं शेयर करूँगी जो हम लोग यूजुअली पूजा में बनाते हैं। तो अभी बज रहा है 10:30 और हम लोग पहले डिनर कर चुके हैं। अभी मैं मूवी देखूँगी जो है सीरियस मैन, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक्ट किया है। मुझे तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत अच्छे लगते हैं, ही इज़ अ माइंड ब्लोइंग एक्टर। मैं तो अभी देखूँगी, आप में से कमेंट कीजिएगा अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो आपको कैसा लगा मूवी। तो अभी मैं फिलहाल देख लेती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आप सबसे फिर मिलूंगी एक नया एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, Keep smiling. Happy weekend. Thank you for watching Roy Canvas.